नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के नंबर पढ़ेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे माय डियर फ्रेंड्स, जिसमें हमें ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न मिलेंगे, जिसमें हमें भूगोल से संबंधित प्रश्न पढ़ने को मिलेंगे माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, भूगोल से संबंधित प्रश्न मिलने पढ़ने को लिए हमें मिलेंगे। यदि आप इस चैनल पर पहली बार है माय डियर फ्रेंड्स, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कमेंट करने अपने दोस्तों को पास शेयर जरूर कीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स। आज हम पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न जलप्रपात से संबंधित होगा माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? आपका उत्तर जो होगा एंजेल जलप्रपात। आपका अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है? आपका उत्तर जो होगा वेनेजुएला में। आपका अगला प्रश्न, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा जिम्बाब्वे से। आपका अगला प्रश्न, बोयोमा जलप्रपात किस नदी पर है? तो आपका उत्तर हो जाएगा जिम्बाब्वे पे। आपका अगला प्रश्न, नियाग्रा प्रपात स्थित है? आपका उत्तर हो जाएगा USA। माय डियर फ्रेंड्स, अब हम सब पढ़ेंगे वायुमंडल से। ठीक है, सॉरी दोस्तों, जलमंडल से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा प्रशांत महासागर। ठीक है, आपका अगला प्रश्न, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पाया जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा प्रशांत महासागर में। आपका अगला प्रश्न, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है? आपका उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। आपका अगला प्रश्न, किस सागर में विश्व में अत्यधिक संख्या में द्वीप है? आपका उत्तर हो जाएगा प्रशांत महासागर। आपका अगला प्रश्न, किस महासागर के तट रेखा सबसे लंबी है? आपका उत्तर हो जाएगा प्रशांत महासागर। ठीक है, आपका अगला प्रश्न, मरियाना खाई क्या है? आपका उत्तर हो जाएगा महासागर का सबसे गहरा भाग। आपका अगला प्रश्न, विशिष्ट रूप से अंटार्कटिका में पाया जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा पेंगुइन। आपका अगला प्रश्न, इंग्लिश चैनल किस महासागर का भाग है? आपका उत्तर हो जाएगा अटलांटिक महासागर। आपका अगला प्रश्न है, सारगासो सागर अवस्थित है? आपका उत्तर हो जाएगा अटलांटिक महासागर में। आपका अगला प्रश्न, यूरोप तथा अफ्रीका के बीच कौन सा महासागर पड़ता है? आपका उत्तर हो जाएगा अटलांटिक महासागर। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कमेंट है आपका किसी प्रकार का दोस्तों, इस वीडियो कैसा लग रहा था आप हमें कमेंट लिखा सकते हैं। और इस चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के पास जरूर कर दीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, बरमुंडा ट्रायंगल बरमुंडा त्रिकोण है? आपका उत्तर हो जाएगा पश्चिम उत्तरी अटलांटिक सागर में। आपका अगला प्रश्न है, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आपका उत्तर हो जाएगा आर्कटिक महासागर। आपका अगला प्रश्न है, सबसे कम गहरा महासागर कौन है? तो आपका उत्तर हो जाएगा उत्तरी ध्रुवीय महासागर। आपका अगला प्रश्न है, किस महासागर में महासागरीय धाराओं का दिशा परिवर्तन वर्ष में दो बार होता है? आपका उत्तर हो जाएगा हिंद महासागर। आपका अगला प्रश्न है, सेशेल्स कहाँ स्थित है? आपका उत्तर हो जाएगा हिंद महासागर। आपका अगला प्रश्न, केप केमोरिन किस महासागर में स्थित है? आपका उत्तर हो जाएगा हिंद महासागर। आपका अगला प्रश्न है, मृत सागर कहाँ स्थित है? आपका आंसर हो जाएगा इजराइल और जॉर्डन के बीच। आपका अगला प्रश्न है, सबसे लवणीय सागर है? आपका उत्तर हो जाएगा मृत सागर। आपका अगला प्रश्न है, भूमि से घिरा हुआ दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र है? आपका उत्तर हो जाएगा भूमध्य सागर। आपका अगला प्रश्न है, महासागर में पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधन है? आपका उत्तर हो जाएगा NaCl, सोडियम होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, नमक, बहुमूल्य धातु, बहुमूल्य रत्न एवं मोती। आपका अगला प्रश्न, अल्बाट्रॉस क्या है? आपका उत्तर हो जाएगा उत्तरी प्रशांत का एक समुद्री पक्षी है। आपका अगला प्रश्न, बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाने वाली नहर है? आपका उत्तर हो जाएगा किल नहर। आपका अगला प्रश्न, ब्लिजर्ड विशेषता है? आपका उत्तर हो जाएगा अंटार्कटिका की। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, अभी इस चैनल पर पहली बार है दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें माय डियर फ्रेंड्स। ठीक, और हम सब आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स। जब समुद्र से ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तब लवणता पर क्या प्रभाव पड़ता है? आपका उत्तर हो जाएगा घटता है। आपका अगला प्रश्न है, मैगलन जलर मरुमध स्थित है? आपका उत्तर हो जाएगा प्रशांत व दक्षिण अटलांटिक महासागर के बीच। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर जल और भूमि का अनुपात क्या है?
आपका उत्तर हो जाएगा 71:29। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर कुल प्राप्त जल में खाली स्थान प्रतिशत समुद्र में होता है। आपका उत्तर हो जाएगा 97.3%। आपका अगला प्रश्न, समुद्री जल की औसत लवणता है। आपका उत्तर हो जाएगा 35%। आपका अगला प्रश्न, पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग जलमंडल में शामिल है। आपका उत्तर हो जाएगा 71%। आपका अगला प्रश्न, महासागरीय लहरें जल में खाली स्थान की उपस्थिति के कारण प्रकाश उत्सर्जित करती है। आपका आंसर हो जाए उत्तर हो जाएगा झारखंड। आपका अगला प्रश्न, समुद्री जल का घनत्व परास कितना है। आपका उत्तर हो जाएगा 1.020 से 1.0929 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आपका अगला प्रश्न है, सागरों के सतही जल का औसत तापमान कितना होता है। आपका उत्तर हो जाएगा 17.2 मतलब अर्थात 17.2 डिग्री सेल्सियस। आपका अगला प्रश्न है, रेनेल धारा किस महासागर की धारा है। आपका उत्तर हो जाएगा अटलांटिक महासागर की। आपका अगला प्रश्न है, गर्म जल धारा है। आपका उत्तर हो जाएगा ब्राजील की धारा। आपका अगला प्रश्न है, एल नीनो क्या है। आपका उत्तर हो जाएगा समुद्री धारा। आपका अगला प्रश्न है, गर्म समुद्री जल धारा है। आपका आंसर होगा क्यू रोसिया, ठीक है, क्यू रोसिया। आपका अगला प्रश्न माय डियर फ्रेंड्स, जो वायुमंडल से संबंधित प्रश्न होगी दोस्तों, ठीक है, वायुमंडल से संबंधित होगी। वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं। आपका उत्तर हो जाएगा अभिवहन। आपका अगला प्रश्न, वायुमंडल की निचली परत क्या कहलाती है। आपका उत्तर हो जाएगा क्षोभ मंडल। आपका अगला प्रश्न, क्षोभ मंडल पृथ्वी की सतह से खाली स्थान किलोमीटर तक फैला है। आपका उत्तर हो जाएगा 16 किलोमीटर। आपका अगला प्रश्न, क्षोभ मंडल के ऊपरी सीमा को खाली स्थान कहते हैं। आपका उत्तर हो जाएगा क्षोभ सीमा। आपका अगला प्रश्न, वायुमंडल की दो परतें ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर को कौन सा क्षेत्र अलग करता है। आपका उत्तर हो जाएगा ट्रोपोपॉज। आपका अगला प्रश्न है, हवाई जहाज समानता किस वायुमंडलीय परत में उड़ते हैं। आपका उत्तर हो जाएगा समताप मंडल। आपका अगला प्रश्न है, अधिकांश मौसमी घटना कहाँ होती है। आपका उत्तर हो जाएगा क्षोभ मंडल। आपका अगला प्रश्न है, वायुमंडल के किस भाग से रेडियो तरंगे प्रवर्तित होती है। आपका उत्तर हो जाएगा आयन मंडल। आपका अगला प्रश्न है, वायुमंडल की कौन सी परत ने बेतार की तार संचार प्रणाली को संभव बनाया। आपका उत्तर हो जाएगा आयन मंडल। आपका अगला प्रश्न है, वायुमंडल की वाह्यतम परत को क्या कहा जाता है। आपका उत्तर हो जाएगा एक्सोस्फीयर। आपका अगला प्रश्न है, ओजोन परत कहाँ स्थित है। आपका उत्तर हो जाएगा समताप मंडल में। आपका अगला प्रश्न है, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ने पर वायुमंडल में स्तरों का सही अनुक्रम क्या है। आपका उत्तर हो जाएगा ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, आयनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। आपका अगला प्रश्न है, वातावरण में कौन सी गैस प्रवैगनिक किरणों का अवशोषण करती है। आपका उत्तर हो जाएगा ओजोन, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ओजोन छिद्र खाली स्थान की उपस्थिति। आपका उत्तर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आपका अगला प्रश्न, किसी स्थान का अक्षांश किसका सूचक होता है। आपका उत्तर हो जाएगा तापक्रम का। आपका अगला प्रश्न, सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत रहता है। आपका उत्तर हो जाएगा पूरे वर्ष। आपका अगला प्रश्न, डोलड्रम क्या है। आपका उत्तर हो जाएगा भूमध्य रेखा के आसपास अल्प दाब का क्षेत्र जहाँ बहुत कम हवाएं तथा समुद्र है। आपका अगला प्रश्न, उच्च दाब उपोष्णी शांत पट्टिया जिन्हें अक्षांश के नाम से जाना जाता है किसके माध्यम में है। आपका उत्तर हो जाएगा 30 से 35 डिग्री। आपका अगला प्रश्न, फेरेल का सिद्धांत किससे संबंधित है। आपका उत्तर हो जाएगा पवन की दिशा से। आपका अगला प्रश्न, सूर्य की किरणें अनुलंबतः गिरती है। आपका उत्तर हो जाएगा भूमध्य रेखा पर। आपका अगला प्रश्न, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षीय खिंचाव न्यूनतम होता है। आपका उत्तर हो जाएगा एक्सोस्फीयर में। आपका अगला प्रश्न, वायु में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक है। आपका उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन। आपका अगला प्रश्न, हवा के दिए गए आयतन में जलवाष्प की मात्रा होती है। आपका उत्तर हो जाएगा निरपेक्ष आर्द्रता। आपका अगला प्रश्न, भूपृष्ठ से प्रवर्ती अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भू वायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। आपका उत्तर हो जाएगा ग्रीन हाउस प्रभाव। आपका अगला प्रश्न, ओजोन सतह का संरक्षण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस
कब मनाया जाता है? आपका उत्तर आ जाएगा 16 सितंबर को। आपका अगला प्रश्न, जब कोहरा धुएं से मिलकर प्रदूषित हो जाता है तब उसको किस नाम से जाना जाता है? स्मॉग। ठीक है, आपका अगला प्रश्न, हवा से नमी के अवशोषण की प्रक्रिया है? आपका उत्तर हो जाएगा बाष्प तापन। आपका अगला प्रश्न है, पानी का कोई भी रूप जो बादलों से गिरता है उसे कहते हैं वर्षण। आपका अगला प्रश्न, औसतन कितनी बार बिजली धरती पर गिरती है? आपका उत्तर हो जाएगा प्रति सेकेंड 100 बार। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का वीडियो बस इतना ही, फिर एक नए वीडियो के साथ आप सभी से हमें मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि आप इस चैनल में पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। इस वीडियो को देखने के लिए अपार प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एवं धन्यवाद।